की कमी है वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी देने से कह जाओ वो सरकार की कमी है। मेरे महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, मेरे महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, दिल्ली जिंदाबाद। रेत बजरी की कीमतें, रेत बजरी की कीमतें, हम आए दिन जो आप देख रहे हैं सबके सामने क्या हो रहा है, जहाँ पर जो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम अंबर से तारे उतार के लाएंगे, कुछ नहीं मिला। गरीब आम जो बहुत परेशान है, यूथ परेशान है, माइनिंग का जो माफिया जो बाहर के लोग यहाँ आके बैठ गए हैं, हमारे लोकल जो यूथ बेकार लड़के थे या शराब के ठेकेदार देखो बाहर से ले आए, हर चीज़ बाहर की यहाँ पर इम्पोज कर रहे हैं हम पर, तो उसके खिलाफ हमारा ये आज का एहतजाज है और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम कि इस सरकार के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी और तबाही की हमारे जम्मू कश्मीर रियासत की। मगर आप देखिए 2019 के बाद जो भी हुआ, जहां तबाही हुई है जम्मू कश्मीर का, कोई भी काम जो आप चारों तरफ से देखिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे दुनिया खुश हो, सब परेशान है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो आज हमें हाई महंगाई पर जो हमारे डीजल पेट्रोल या महंगाई हो गई है, जो एक्साइज के निर्णय हटा गया, लोगों को वाई शावे बंद कर दी, गरीब लोगों को दबा के मार दिया, जो परिवार अपना गुजारा अच्छे ढंग से करते थे उनको गिरफ्तार कर दिया, बिल्कुल माफिया ग्रुप डीजल पेट्रोल कहां तक पहुंच गया। इस पार्टी ने हमको जब यूटी बनाया था तो समझ पा दिखाए थे दूध की नदियां जम्मू में बहेंगी, वो दूध की नदियां कहां हैं? अब लोगों को आज गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, लोग सड़कों पे आए हुए हैं, गरीब आदमी के पास आज खाने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने ऑल ओवर इंडिया में तबाही कर दी है और खास करके हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट बिल्कुल बेहाल बैठी हुई है, कोई आदमी को गुजरान करने के लिए नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं ये गवर्नमेंट जो है बीजेपी की सरकार ऑल ओवर इंडिया में फेल हो चुकी है इस वक्त, इसका ऑप्शन चाहिए। हम सब लोगों को इकट्ठे होते हैं, एक इसका ऑप्शन बनाए, इस सरकार को जल्दी से जल्दी बड़े असर से हटाया जाए इसको, और नई सरकारें बन के आए जो मुल्क का हाल ठीक करें। और जो आज देख रहे हैं आप डीजल पेट्रोल कहां तक पहुंच गया है, ये लोग हाय हाय त्राई त्राई कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है साहब, ये मुल्क चलना बहुत खराब हो गया, करप्शन का जोर है, हालात खराब हो चुके हैं, इस वक्त बहुत बुरी हद पूरे ऑल ओवर इंडिया में है।